बेमित्रा में धान का पंजीयन नहीं होने से किसान परेशान हैं। दरअसल राज्य शासन ने धान खरीदी को लेकर पंजीयन की शुरुआत की और किसान अपने रकबे का संशोधन और नवीन पंजीयन 31 अक्टूबर तक सोसाइटी के माध्यम से करा सकते हैं, लेकिन जिले के 102 सोसाइटी में धान के पंजीयन को लेकर कई प्रकार की परेशानी को सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी समस्या सर्वर की हो रही है, किसानों का पंजीयन भी नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा जो पुराने किसानों के पंजीयन हैं वह भी सोसाइटी के सॉफ्टवेयर में दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते किसान परेशान हैं। इन्हीं समस्याओं को लेकर किसानों ने कलेक्टर से मुलाकात कर तत्काल पंजीयन की व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए अनुरोध किया है। शुरू से सोसाइटी और ग्राम सेवक 75 काटा था 1 तारीख से, लेकिन वो बोला थे NIC में कुछ प्रॉब्लम है सिस्टम में, एकर वजह से पंजीयन नहीं हो पावा। तो कलेक्टर महोदय में आए हम आवेदन दे पंजीयन हो पाया। TL की मीटिंग पे हमने प्रमुखता से लिया है और ये निर्देश स्पष्ट रूप से समस्त तहसीलदार SDMs और इवन जिला कार्यालय में भी दिया गया है कि कोई भी किसान, कोई भी कृषक यदि पंजीयन से वंचित है या रकबा संशोधन के लिए आता है, उसको प्राथमिकता के आधार पर उसका निराकरण किया जाए और ये व्यवस्था जारी रहेगी। यदि किसी को किसी प्रकार की दिक्कत है तो मुझसे भी व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं और प्राथमिकता के आधार पर इसका निराकरण किया जाए।